हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो आज हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल तो बताएंगे ही, साथ में हमारी एक वैल्यू पिक है जो कि शॉर्ट टर्म पिक है, वो भी हम आपको देंगे, और साथ में हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी हम इस एपिसोड में लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। आज यानी 16 अप्रैल को निफ्टी ओपन हुआ 8851 पर, और इमीडिएटली निफ्टी ने 8822 का लो लगाया, लेकिन उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी ने 9054 का हाई लगाया और फाइनली निफ्टी ने 8993 की क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब बात करते हैं कल के बाजारों की। तो कल के लिए निफ्टी के लेवल हम जो आपको कहते आ रहे हैं कि 9130 का जो लेवल है वो एक बहुत ही रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, तो वही एक लेवल है। अगर उसके ऊपर पार करता है तो 9250 के लेवल देख सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि 9100 के आसपास निफ्टी कल दिखाना चाहिए, और उसके बाद 9100 के आसपास ही निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, जिससे कि निफ्टी 9000 और फिर 8900 तक के लेवल दिखा सकता है। हमारा व्यू वही उछाल पे बिकवा ली गई है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 18957 पर, और बैंक निफ्टी ने भी इमीडिएटली लो लगाया 18703 का, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की वजह से बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 19520 का, और उसके बाद फाइनली बैंक निफ्टी ने 19400 की क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। और अगर कल के लिए बात करें तो कल के लिए बैंक निफ्टी अगर 20000 या 20100 के लेवल तोड़ता है या उनको टच करता है तो हमें लगता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, जो कि बैंक निफ्टी को 19500 से 18500 तक के लेवल पे ले जा सकती है। अब बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। अगर पिक ऑफ द डे की बात करें तो आज हमारा जो पिक है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट का अभी जो भाव है वो करीब 300 रुपए के आसपास है, जो कि अगर हमें लगता है ये स्टॉक जेके लक्ष्मी सीमेंट का भाव 202 रुपए के आसपास है, जो कि हमें अभी स्टॉक जो है अगर हम मंथली चार्ट पर देखें तो रिवर्सल दे रहा है, और वीकली RSI जो है वो भी रिवर्सल पे जा रही है। तो हमें लगता है कि अगले 15 से 30 दिन के अंदर ये स्टॉक हमें 200 रुपए से, यहाँ 200 रुपए का भाव है तो आप 200 रुपए के आसपास ही खरीद सकते हैं, और ये स्टॉक 245 से 250 तक के लेवल हमें अगले 15 से 30 दिन में दिखा सकता है। अब बात करते हैं हमारे दर्शकों के सवालों की। सबसे पहला क्वेश्चन है अविनाश होटा जी का बलरामपुर चीनी पर। वो कहते हैं हमें इनका टारगेट प्राइस 6 मंथ में वो पूछ रहे हैं। तो अविनाश जी, आज का क्लोजिंग प्राइस बलरामपुर चीनी का है 106। स्टॉक ने अभी 52 वीक हाई बनाया था जनवरी में 195 का, उसके बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया और 69 का लो लगाया 24 मार्च 2020 को, लेकिन उसके बाद जैसा कि सेक्टर में एक न्यूज थी, उस न्यूज की वजह से पूरा सेक्टर ही रीरेटिंग हो गई और स्टॉक रिवर्स हो गया, और स्टॉक ने 132 का हाई लगा दिया 15 दिन में, यानी कि स्टॉक ने करीब 15 दिन में 90% का रिटर्न दे दिया। स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 90 से 95 रुपए के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे अगर कोई बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर 6 महीने की बात करें तो हमें लगता है कि स्टॉक 145 से 150 के लेवल दिखा सकता है अगले 6 महीने में। हमारे व्यू सेक्टर पे एज वेल एज स्टॉक पे बुलिश है, और आपको हर बिकवाली में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आपको इस स्टॉक पे हम क्यों बुलिश है वो पता करना है तो हमारा वीडियो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इन शुगर सेक्टर वो जरूर देखें। अब दूसरा क्वेश्चन है लाखन पांड्या जी का अडानी ग्रीन पर। वो पूछ रहे हैं अगले दो साल में अडानी ग्रीन में क्या हो सकता है। अडानी ग्रीन का करंट प्राइस है 194। स्टॉक जून 2018 में लिस्टेड हुआ था, और उसके बाद स्टॉक ने तुरंत बहुत सारे हाई बनाए और 52 वीक हाई बनाया 243 में जनवरी 20 में, लेकिन उसके बाद से ग्लोबल मार्केट की डाउन की वजह से ये स्टॉक भी डाउन आया और 17 मार्च को 112 का लो लगाया स्टॉक ने, लेकिन उसके बाद स्टॉक में रिवर्सल आया और बड़ी अच्छी रिकवरी आई, और अगले लगभग 30 दिन में स्टॉक ने 195 का हाई लगाया है, और तो लगभग 74% स्टॉक रिकवर हो चुका है। तो अगर अगले 2 साल के लिए हम बात करें तो अगर स्टॉक 210 का लेवल बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका, अगर 210 के लेवल को क्लोज ब्रेक करता है विद वॉल्यूम और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है किसी भी दिन, तो हम स्टॉक में एक नई रैली देख सकते हैं, जो कि स्टॉक को अगले 2 साल में 300 से 340 तक के लेवल देख सकते हैं। अगर आपके किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हम उन पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुनाफा कमाते रहें। साथ ही
ये वीडियो क्योंकि हम घर से बना रहे हैं तो हमारी बेटी कौशिकी सिंगल ने इन सारे वीडियो शूट कर रही हैं। आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।